लव हॉस्टल आई मूवी, इसका नाम लव हॉस्टल ना होके इसका नाम होना चाहिए था डागर और उसकी बंदूक। दोस्तों OTT पे अभी रिलीज हुई G5 पे हाल ही में लव हॉस्टल मूवी। दोस्तों ये मूवी मात्र 1 घंटे 40 मिनट की है और ये बेसिकली 3 लोगों पर फोकस ज्यादा करती है, एक तो अपना डागर और दूसरी लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। शुरुआत के कुछ मिनट में डागर का सीन दिखाया जाता है, फिर उसके बाद अपने लव स्टोरी थोड़ी बहुत दिखाई जाती है। वैसे भी ये फास्ट पेस मूवी है जो आपको आसानी से जो आपका टाइम है वो निकाल देगी। इसमें बॉबी देओल अपना डागर रोल में एकदम जचता है, कुछ भी को मजा आ जाता है उसको इस रोल में, इस मेकअप के अंदर देख के मैं कुछ ना बोले वो सारे काम कर जाता है। और भाई इस मूवी को देखते वक्त मुझे कुछ किसी चीज में मजा आया ना आया, पर मुझे बॉबी देओल की एक्टिंग देख के और साइको का जो रोल देख के एकदम मजा आ जाता है। मैं टाइम में जो मेरा बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। और दोस्तों रही इसमें मुझे साइको किलर के अंदर मुझे मूवीज होती है मुझे ज्यादा पर्सनली ज्यादा पसंद आती है। इस मूवी में आपको कहीं सारा ब्रूटली और आपको यहाँ पे गालियां सुनने के लिए मिल जाती है। अगर आप कोई हार्डकोर मूवी देखना चाहते हो तो आप एक बार इसे पर्सनली ट्राई जरूर कर सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ ट्राई करने के लिए। बस मैं एक पर्सनली इस मूवी से एक चीज से नाराज हूँ, इसमें एक साथ कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें कभी प्यार एंगल, कभी लव स्टोरी, कभी रोमांस, कभी उतना नहीं क्या चीज़ इसमें आतंकवादियों को एक एंगल अलग तरह से उठा रखे है। अगर ये कुछ ना उठाते फिर भी दोस्तों ये मूवी 1 नंबर ही बनती। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना इनफ समझता हूँ और आप जाके इसे ट्राई जरूर कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जो लास्ट का क्लाइमैक्स है ना मजा आया था। दोस्तों आप इस मूवी को ट्राई जरूर करना, बाकी और सब चीज़ें छोड़ देना क्योंकि दोस्तों 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है ये, फास्ट पेस मूवी आपको पता नहीं पड़ेगा आपके कब खत्म हो गई। और ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज की रिव्यूज देते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ रही है हमेशा। टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। टाटा बाय बाय।